अशोक कुमार गुर्जर। माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट के अनुदान की मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास पर बोलने हेतु समय देने के लिए धन्यवाद। वर्तमान समय में एससी एसटी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की बाल विवाह बालिकाओं के विवाह पर हथलेवा राशि के रूप में 31,000 रुपये एवं प्रोत्साहन राशि के रूप में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर क्रमशः 10वीं पास 10,000 रुपये व स्नातक पास होने पर 20,000 रुपये सहायता दी जा रही है। मेरी सरकार से ये मांग है कि सर्वप्रथम ये अनुदान प्रदेश के सभी जाति वर्गों के बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को विवाह हेतु दिया जाए और न्यूनतम अनुदान राशि 1,00,000 रुपये किया जाए। दूसरा निवेदन था, बजट 2024-25 की बिंदु संख्या 92 के अनुसार संपूर्ण राजस्थान में युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने हेतु मात्र 2,000 स्कूटी देने की घोषणा की है। मेरी ये मांग है कि ये संख्या काफ़ी कम है, जिसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया जाना चाहिए। तीसरा उगम, भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर बीआर अंबेडकर राजकीय छात्रावास बापूनगर एवं पूर्व भीलवाड़ा काफ़ी पुराने निर्मित है, जिनकी मरम्मत एवं आधुनिकीकरण किए जाने हेतु कोई बजट नहीं आ रहा है काफ़ी समय से। मेरी ये मांग है कि इन दोनों छात्रावास की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण का कार्य किया जाए। जनजाति क्षेत्रीय विकास पर, जनजाति समाज से जो मुख्यतः एसटी वर्ग के लोग आते हैं, उनको समाज में उचित दर्जा दिलाने के लिए संविधान में समान सामाजिक स्तर पर निर्माण करने हेतु आरक्षण व्यवस्था लागू कर रखी है। मेरा इस विषय पर सरकार से ये मांग है कि जनजातीय छात्रों हेतु अध्ययन के साथ साथ छात्रावासों में वैकल्पिक प्रशिक्षण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। जैसे अगर कोई विद्यार्थी वाणिज्य संकाय में स्नातक कर रहा है तो उसको स्नातक की शिक्षा के साथ साथ ही टेली या सीए एमबीए परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी देने हेतु छात्रावास में व्यवस्था की जाए। दूसरा, अगर कोई विद्यार्थी कला संकाय में स्नातक कर रहा है तो उसको स्नातक की शिक्षा के साथ साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु छात्रावास में व्यवस्था की जाए। दूसरा था, भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जिला मुख्यालय होने के कारण उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए जनजाति वर्ग के छात्रों का आवागमन रहता है। वर्तमान में जो छात्रावास निर्मित है वे छात्रों की संख्या में अनुपात में पर्याप्त नहीं है। अतः मेरी ये मांग है भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर जनजातीय छात्र व छात्राओं हेतु पृथक नवीन छात्रावास की स्थापना की जाए। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, हम आपका और सदन का एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान चाहते हैं। एससी एसटी के भाई, कोई भी कठिन परिस्थिति होती है और उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो उस कठिन परिस्थिति में वो अपनी कोई भूमि बेचना चाहता है तो उसकी भूमि को लेने वाला जनरल को बेच नहीं सकता है तो उसको अपनी मजबूरी में उसकी भूमि को आधी रेट में देनी पड़ती है। ऐसा मैंने अपने पड़ोस में देखा है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि उनकी भूमि को, एससी एसटी की भूमि को जनरल खरीद सके, ऐसा नियम में परिवर्तित किया जाए। पहले ये नियम इस भावना से बनाया होगा कि जो ये एसटी एससी वर्ग के भाई होते हैं, सीधे होते हैं, इनकी भूमि को कोई भी ऐसे कोई ले नहीं ले, तो उसके लिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि उनकी भूमि के लिए उनके परिवार के पूरे सदस्यों की सहमति ले और शपथ पत्र के साथ वो दे सके। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। घनश्याम मेहर।